नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आप सभी को हैप्पी धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सिंपल छोटे से टिप्स आज मैं आप बताऊंगी जो आपको धनतेरस से लेकर दिवाली तक करने हैं, और ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी और आपके घर में ऐश्वर्य बढ़ेगा, लक्ष्मी बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी। तो सिंपल से उपाय हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहले आपको कपूर का उपाय करना है। कपूर का उपाय क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेना है, कोई भी तेल आप ले सकते हैं, अगर घी लेना चाहें तो घी भी ले सकते हैं, और उसमें कपूर डाल दें और कपूर की एक टिक्की आप डाल सकते हैं और उसे जला दें, और उसके साथ एक लौंग रख देते हैं तो और भी अच्छा होता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। तो ये आपको धनतेरस से लेकर दीपावली तक करना है। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ जो आपको कमलगट्टे से करना है। दीपक में कमलगट्टा डालेंगे और उसको जला देंगे तो आपका जितना भी रुका हुआ धन है उसकी प्राप्ति होगी, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तीसरा मैं आपको बताती हूँ आंवले का उपाय। दीपक में आंवला डालकर जलाते हैं अगर आप, तो ये बहुत ही शुभ रहता है और इससे लक्ष्मी का आगमन होता है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। एक चीज और है, चांदी के सिक्के का उपाय। चांदी की वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है या सिक्का हो सकता है, वो डालकर अगर आप दीपक जलाते हैं तो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अखंड धन धान्य की प्राप्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। तो दीपावली पर आप कमलगट्टे की, कपूर की, साबुत धनिए की, चांदी के सिक्के की और अपने जो घर की लक्ष्मी है उसकी अगर पूजा करते हैं, उसको अगर एक अच्छा वो देते हैं, दर्जा देते हैं और उनकी आदर करते हैं उनका, और उनको कुछ ना कुछ आभूषण या कुछ ना कुछ वस्त्र जो हैं वो अगर आप भेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी दिवाली रहेगी। तो ये धनतेरस से लेकर दिवाली तक आपको छोटे मोटे उपाय करने हैं, ये करके देखिए, जरूर आपको फायदा होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली।